देखो आई थिंक ईमेल किया हूं एक बार. ओह व्हाट अ फाइट. ओके पहुंच चुके हैं गंडीकोटा. अभी कैंप का लोकेशन देखने के लिए जा रहे हैं और उधर पर कैंप सेट करेंगे आज. पर कैसा रहा? जबरदस्त. टायरिंग और लेकिन फुल ऑफ एक्साइटमेंट एक्चुअली. अच्छा भी था. अभी नींद आ रहा है. सोच रहे कब कैंप लगा के सोएंगे और कब एक अच्छी सी नींद भरी नींद आएगी. नो फर्स्ट वी आर वेटिंग फॉर द सनसेट एक्चुअली. पहले सनसेट देखेंगे उसके बाद कैंपिंग और खाने का सोचेंगे. किसी जमाने में यहाँ पर एक जेल हुआ करता था. जो बंदी लोग होते थे उन लोगों को यहाँ पर जेल का जो चक्की होता ना वो पीसता था. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे भी एक पुराना सा पत्थर का कुछ है फोर्ट जैसा. और यहाँ पर भी देख सकते हैं ऐसा बहुत है यहाँ पर पत्थर का. ओह माय गॉड आप पीछे देख सकते हो और कितना अच्छा व्यू है. ऊपर जाते हैं पहले और आप लोगों को दिखाते हैं व्यू. तो चलिए. गाइस रियल यहाँ पर ज़्यादा रिस्की है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ऊंचाइयों पर आ चुका हूँ मैं. और यहाँ पर देख सकते हैं पत्थर ही पत्थर. थोड़ा जंप करते करते जा रहा हूँ. यहाँ पर देखिए मैं भी बंदर से कम नहीं हूँ. केयरफुल मैन.
इतना दूर इसलिए आया था कि आप लोगों को मैं ये व्यू दिखा सकूँ। तो शायद आप लोग ये इंजॉय कर रहे होंगे, ये है गंदीकोटा रिवर जो कि बेंगलोर से लगभग 300 किलोमीटर्स अवे है। मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, बहुत आप लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक शेयर एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। उधर पर हम लोग कैंपिंग करने वाले हैं तो आज रात बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पर। ये देखिए ऐसे जगह पर हम लोग आज एक रात बिताएंगे। तो सुंदर जगह है यार। गांड फट रही है तो फंस रहा है यहाँ पे। हाँ, गान से धुआं निकल रही है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं अपने कैंपिंग एरिया की तरफ और आज का ये भी बहुत ही शानदार रहा और यहीं पर खत्म करते हैं ये एपिसोड और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए दर्शन ब्लॉग्स। जय हिंद।